नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में जल्द ही हो सकते हैं नए बदलाव। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोदी कैबिनेट में कौन बनेगा मंत्री और क्यों, तो चलिए इन सभी पहलुओं को जानते हैं विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी आज मंत्री परिषद की बैठक करने वाले हैं। इस बैठक से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में मंत्रिमंडल में फेरबदल पर अंतिम मुहर लग सकती है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 के लिए एनडीए के पुराने सहयोगियों को भी साध रही है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल में शिरोमणि अकाली दल यानी कि SAD, तेलुगु देशम पार्टी, TDP, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, शिवसेना, राष्ट्रीय लोक जनता दल जैसे पुराने सहयोगियों को मौका मिल सकता है। हाल ही में बिहार के CM नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी एकता की पटना में बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद से ही BJP मिशन 2024 के लिए हर रणनीति को आजमाना शुरू कर चुकी है। दरअसल BJP 2024 में किसी किंतु परंतु में नहीं रहना चाहती है। इसके लिए विपक्षी एकता की तोड़ के लिए पार्टी अपने पुराने सहयोगियों से संपर्क साध रही है और उसे अपने पाले में लाने की भी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि इन दलों को एनडीए में शामिल करने के एवज में मोदी सरकार इनाम भी देगी और ये इनाम मंत्रिमंडल में शामिल करने के रूप में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी सहयोगी SAD का पंजाब में बड़ा जनाधार रहा है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में SAD और BJP ने अलग चुनाव लड़ा था। वहीं एक मीडिया चैनल के सर्वे के अनुसार अभी ये दोनों अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो राज्य में नुकसान हो सकता है। सर्वे के मुताबिक आपको 32.10% वोट मिल सकते हैं, वहीं BJP को 15.30% और SAD को 21.70% वोट मिलता दिख रहा है। यानी अगर दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़े तो ये वोट प्रतिशत 37% तक पहुंच जाएगा, जो आपसे करीब करीब 5% ज्यादा हो सकता है। ऐसे में BJP अपने इस पुराने सहयोगी को मनाने के लिए कई बैठक कर चुकी है। माना जा रहा है कि SAD से हरसिमरत कौर बादल मंत्री बन सकती हैं। गौरतलब है कि किसान कानून के विरोध में SAD ने BJP से नाता तोड़ लिया था। वहीं चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता चुके हैं। बिहार में चिराग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार के RJD के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद चिराग पासवान ने खुलकर बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। हाल ही में BJP ने चिराग को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। बिहार में चिराग के साथ करीब 6% दलित समुदाय का वोट है। मिशन 2024 की लड़ाई में BJP वोटों का महत्व को अच्छे से जानती है। बिहार जैसे राज्य में जहां महागठबंधन से उसे मुकाबला करना है, वहां वो कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। चिराग पासवान पिछले काफी वक्त से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर बात जो रहे थे। माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को भी जगह दी जा सकती है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले रालोजत भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। कुशवाहा मोदी कैबिनेट में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। बिहार में कोइरी कुशवाहा वोट बैंक पर BJP की नजर है। अभी तक ये तबका राज्य के CM नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन BJP कुशवाहा के जरिए नीतीश के इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की जुगत में है। कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह देकर भारतीय जनता पार्टी उस वोट बैंक को बड़ा संदेश देना चाहेगी। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से बगावत कर BJP की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले एकनाथ शिंदे वाले गुट को भी इनाम मिलने की उम्मीद है। राज्य गठबंधन की सरकार चला रहे शिंदे इस बाबत BJP के वरिष्ठ नेताओं से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले BJP शिंदे गुट के एक सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। साथ ही आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाला तेलुगु देशम पार्टी पहले भी एनडीए में शामिल रह चुकी है। नायडू एनडीए के संयोजक भी रह चुके हैं। BJP दक्षिण में एकमात्र राज्य कर्नाटक को गंवाने के बाद एक एक कदम फूंक कर उठा रही है। आंध्र प्रदेश में पार्टी को अपना जनाधार बढ़ाने के लिए नायडू की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में नायडू को एनडीए में शामिल करके उनके दल से भी किसी को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमें Facebook पर देख पा रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।